सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द चटपटा गॉसिप। तो मैं आज आपके लिए जो एक अच्छा गॉसिप लेकर आई हूँ वो है करण कुंद्रा और तेजस्विनी यादव के रिलेटेड। एज वी ऑल नो, दे आर कॉल्ड अ पावर कपल इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इन दोनों के प्यार के चर्चे और ये लोग दोनों काफी एक दूसरे के ऊपर प्यार की बौछार करते हैं सोशल मीडिया, और वो जेन्युइन लगता है, कोई भी तरीके से फेक नहीं लगता है। बिग बॉस सीजन 15 से इनका प्यार का सफर शुरू हुआ था, जहाँ पे पहला पड़ाव दोस्ती का था और दूसरा पड़ाव प्यार। और देन बिग बॉस से निकल जाने के बाद इन लोग का प्यार आज तक बरकरार रहा, 2 साल भी बीत चुका है। बिग बॉस 15 में इन दोनों का परफॉर्मेंस काफी हद तक तगड़ा था, जहां पे करण कुंद्रा टॉप 4 पे आए थे, वहीं पे तेजस्विनी यादव ने ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। शो के निकल जाने के बाद आज तक इनका जोड़ी बरकरार है, पर हाल ही में करण कुंद्रा से ये सवाल पूछा गया था कि आप शादी कब कर रहे, तो ऐसे तो ये बात को टाल देते, बट इस बार उन्होंने रिएक्ट करते हुए ये बोला कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो रिश्ता बाउंडिंग वगैरह जो मेरा अभी तेजस्विनी से काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है, वो शादी के बाद रहेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, और मैं शादी करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं, मैं अपने इस लाइफ में काफी हद तक खुश। तो ये करण कुंद्रा का मतलब मेंटालिटी है कि उन्हें शादी नहीं करना। हाल ही में हमें करण कुंद्रा मूवी में भी दिखाई दे सकते हैं, और तेजस्वी अपने आप का नाम नागिन 6 कर चुकी है, तो नागिन 6 में हमें तेजस्विनी दिखाई देगी। खैर, आपको ये न्यूज कितना हद तक अच्छा लगा कॉमेंट डाउन करके जरूर बताएं। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।